गाइस नमस्कार गाइस, मेरा नाम दशरथ है और आज आप सबको स्वागत करता हूँ पूजा मोबाइल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये है V9 और ये ऑटो रिकवरी मोड में आ जाता है। ये देखिए ऑटो रिकवरी मोड में आ जाता है। जैसे कि हम चार्जर को इंसर्ट करते हैं तो ये ऑटो रिकवरी मोड में आ जाता है। ये मैंने चार्जर आपको निकाल के दिखा रहा हूँ और इसको स्विच ऑफ भी कर लेता हूँ एक दफ़ा। ये देखिए स्विच ऑफ हो चुका है और अभी बैटरी को फिर लगा देता हूँ और अभी मोबाइल को मैं ऑन करूँगा। अभी ये ऑटो रिकवरी मोड में आ जाता है, ठीक है। ये देखिए मोबाइल वाइब्रेशन कर चुका है और ये चार्ज नहीं है बता रहा है। तो हम चार्ज को इंसर्ट करेंगे चार्जिंग प्लग को तो ये ऑटो रिकवरी मोड में चला आएगा। ये देख लीजिए ये ऑटो रिकवरी मोड में आ जाएगा। ओके, चार्ज का सैंपल आया और ये ऑटो रिकवरी मोड में चला आएगा। ये देख सकते हैं ऑटो रिकवरी मोड में आ चुका है। ओके, तो इसको आज उसका सोल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहली बात तो हमको वॉल्यूम ऑफ का पॉइंट को देखना है, ये कहाँ पर शॉर्ट तो नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद फ्लैश करके भी देखना है और नहीं तो ये सीपीयू का प्रॉब्लम है, सीपीयू को रिबॉल करना पड़ता है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप यहाँ से हम चेक करते हैं, उसके बाद मैं आपको एड्रेस करके दिखाऊंगा ताकि काम कर सकता है या नहीं। ओके, चलिए फिर वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फॉर्मेट ऑन हो जाता है, क्योंकि जो सेट पहले क्या हो रहा था ऑटो रिकवरी मोड में आता था, अभी वो फ्लैशिंग करने के बाद, फ्लैशिंग मतलब फॉर्मेट फैक्टरी करने के बाद ये सक्सेस ऑन हो रहा है, ठीक है। तो कुछ देर वेट करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि ये जो हमारा मोबाइल है वीवो V9 ये पूरी तरह से ऑन होता है नहीं, ठीक है। कुछ देर के लिए वीडियो को बंद करके रखता हूँ, नहीं तो ये ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। फिर से बीच में दिखा रहा हूँ, ये अभी तक ऑन नहीं हुआ है। ये मिनिमम 5 मिनट लगता है इसको, जब तक कि हम इसका यूजर डाटा को हार्ड ड्राइव करते हैं या फॉर्मेट करते हैं, तो मिनिमम 5 से 10 मिनट तक इसको वेट करना पड़ता है। तो चलिए और कितना मिनट लगेगा और कितना टाइम लेगा ये पूरी तरह से इसका वेलकम आने तक, ठीक है। और दोस्तों मिनिमम 7 मिनट लगा इसको ऑन होने के लिए, 7 मिनट लगा पूरी तरह से ये ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं ये 7 मिनट लगा इसको पूरी तरह से ऑन होने के लिए। और अभी कुछ दिक्कत आ रहा है टॉर्च का, मैं देखता हूँ चार्जर को अनप्लग करके देखता हूँ ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। दोस्तों इसको मैंने स्विच ऑफ कर दिया एक बार, नहीं तो ये टॉर्च वर्किंग नहीं कर रहा था। ओके दोस्तों, उसके बाद मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए इसको
आगे जाने। आपके पास अगर मिराकेल है उसमें भी फॉर्मेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। UMT है, MRT है, UFI बॉक्स है, जो भी टूल है आपके पास उसी में हो सकता है। इस तरह का ऑटो रिस्टार्ट का प्रॉब्लम अगर आता है तो ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।